हेलो एवरीवन, 27 मार्च 2019 के जितने भी करंट अफेयर मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दिस इज जीके क्लासेस भी देख के, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज अरुण कुमार। एंड प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है, कल का क्वेश्चन था, क्वेश्चन ऑफ द डे कि हाउ मेनी मेडल्स इंडिया वॉन इन द 2019 स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम। भारत ने 2019 में विशेष ओलंपिक ग्रीष्मकालीन खेलों में कितने पदक जीते? तो 264, 350, 280, 368। तो 264 पदक जीते हैं। कितने? 264। यहाँ पे लिखा है इंडियन अबू धाबी 2019 स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स मेडल्स, जिसमें से इंडिया ने 27 गोल्ड, 100 सिल्वर, 92 ब्रोंज, टोटल 264 मेडल इनको मिले थे। डेट कब से कब ऑर्गेनाइज हुआ था? 14 मार्च 2019 से लेके 21 मार्च 2019 तक। नेशन पार्टिसिपेटिंग, कितनी कंट्री इसमें भाग ली थी? तो 170 कंट्री ने भाग ली थी। चलते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं, यूएई कैपिटल, यूएई की कैपिटल कहाँ पे है? अबू धाबी। करेंसी है दिरहम। प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जियाद। प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तोम। और ये है अबू धाबी, ये है यूनाइटेड अरब अमीरात, ये है एशिया की कंट्री। ठीक है, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। टुडे फर्स्ट क्वेश्चन, द वर्डिक्ट डिकोडिंग इंडियाज इलेक्शन। हाल ही में एक पुस्तक द वर्डिक्ट डिकोडिंग इंडियाज इलेक्शन के लेखक कौन है? राणा राय एंड दोबारा आर सुपारी वाला, खुशवंत सिंह, बरखा दत्त, रवीश कुमार। तो प्राणा राय एंड दोबारा और सुपारी वाला। चलते हैं क्वेश्चन, हम इसी का ये है सुपारी वाला, दोबारा सुपारी राव। और ये है प्रणय राय। ये बुक है द वर्डिक्ट डिकोडिंग इंडियाज इलेक्शन, ये इलेक्शन के बारे में वो लिखा गया है इनके द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसरो 1 अप्रैल को 19 प्राइमरी पेलोड्स, इमेज सेट, इलेक्ट्रिकल इंटेलिजेंस सैटेलाइट सहित पोलर सैटेलाइट व्हीकल PSLV-C45 ग्रह का प्रक्षेपण कहाँ से करेगा? ये नासा से करेगा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश की अब्दुल कलाम द्वीप, बालासोर, ओडिशा, तारापुर, महाराष्ट्र। तो कहाँ से करेगा? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के बारे में जान लेते हैं। इसके एग्जीक्यूटिव हैं पी पदानियन, डायरेक्टर हैं, हेडक्वार्टर है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। फॉर्म हुआ था 1 अक्टूबर 1971। भाषा के आधार पर फर्स्ट स्टेट जो बना था 1 नवंबर 1956 को, वो आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश की अभी कैपिटल अमरावती है। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 नहीं है, इसरो के बारे में दिया है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कोलकाता, फाउंडर है विक्रम साराभाई। कब फाउंड हुआ था? 1 15 अगस्त 1969। डायरेक्टर है के सीवान और सब्सिडरी है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड थिएटर डे कब मनाया जाता है? तो ये 27 मार्च को मनाया जाता है, 22 मार्च को वाटर डे, 23 मार्च को शहीद दिवस, 24 मार्च को ट्यूबर क्लोज दे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में 65 वर्षीय किस भारतीय चित्रकार का निधन हो गया? तो वो थे हाकू सिंह। ठीक है, ये है हाकू सिंह, ये बहुत बढ़िया चित्रकार थे, इनको पद्म भूषण मिला था, तो इनका निधन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5। भारती कैब ओला ओलास ने यूनाइटेड किंगडम के लिवरपूल शहर में किस ऑटो रिक्शा सेवा की शुरुआत की? तो रोको रोको चलो चलो, टुक टुक छुक छुक, तो ये टुक 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 करके सेवा ये यहाँ पे लिवरपूल यूके में स्टार्ट की, ये रहा ओला सेवा है। और ओला के कौन है सीईओ और इसके फाउंडर? भावेश अग्रवाल। 21 साल की महज उम्र में इन्होंने ये ओला का फाउंडेशन किया था। फाउंडर मुंबई, 3 दिसंबर 2010। सीईओ भावेश अग्रवाल, हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका, फाउंडर भावेश अग्रवाल, अंकित भाटी। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में ललित कला अकादमी की ने कितने पुरस्कार विजेताओं की संख्या की घोषणा की? तो वो 60। लोकेशन कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। कब फाउंड हुआ था? 5 अगस्त 1954 को।
चेयरमैन कौन है? उत्तम परचने। पैरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। हेड किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर दिल्ली। ये रहा ललित कला अकादमी, संस्कृत मंत्रालय के अधीनस्थ एक स्वायत्त सेवा संस्था, राष्ट्रीय कला अकादमी। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ये है, बट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कौन है? महेश शर्मा। इंडिपेंडेंट चार्ज है, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन से है? गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में वेस्ट इंडीज क्रिकेट अध्यक्ष के पद से किसे हटाया गया? डेव कवरन को। इसकी जगह पे कौन आया? रिकी स्केटिंग। क्वेश्चन नंबर 8, आईटीसी के जॉन पेयर्स मेंस वेयर, जो जॉन पेयर की कपड़े आते हैं, इसको किसने खरीदा, उसको किसने हायर किया? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, टेल और प्राकृतिक गैस निगम, या इंफोसिस। तो रिलायंस ने खरीदा, RIL। तो RIL की एक और भी है, RRI, रिलायंस रिटेल, जिसमें रिलायंस फ्रेश वगैरह के सामान, जैसे में जिसमें फूड वगैरह, तेल ऑयल वगैरह मिलते हैं। और इसके देखिए, रिलायंस स्टेट्स के बारे में जान लीजिए। फाउंड हुआ था 1972, CEO है मुकेश अंबानी, ओनर भी है यही। फाउंड कब हुआ था? फाउंडर कौन थे? धीरू भाई अंबानी। और सबसे मजेदार एक चीज बताते हैं, रिलायंस ने सबसे पहले किस चीज की खेती से, किस चीज का बिजनेस स्टार्ट किया था? तो वो था मसाले की खेती। मसाले से इन्होंने अपना बिजनेस खड़ा करा, आज कहाँ से कहाँ तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, जियो तक भी आ गया है, जियो भी लॉन्च हुआ है। ठीक, कौन 2020 टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा नहीं लेंगे? उसैन बोल्ट, माइकल फ्लेप्स, सुशील कुमार या लिवा फर्नांडिस। तो माइकल फ्लेप्स जो है, 2020 के टोक्यो ओलंपिक में, टोक्यो समर ओलंपिक होगा, इसमें हिस्सा ये नहीं लेंगे। ये रहे तो माइकल फ्लेप्स, ये 23 गोल्ड मेडल जीते हैं। अभी तक इंडिया ने सिर्फ 8 गोल्ड मेडल जीता है, बस अभिनव बिंद्रा ने सिर्फ 1 मेडल जीता है, बाकी 7 गोल्ड मेडल हॉकी से आए हैं। चलते हैं टोक्यो, टोक्यो 2020 कहाँ पे हुआ था, होगा 2020 के मस्कोट, ये रहे। और 2014 में, 24 में कहाँ पे होगा? 2020, 2020 में यहाँ पे होगा रोम, पेरिस। 24 में यहाँ पे बुडापेस्ट एंड लॉस एंजलिस में होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मोबाइल कंपनी ने अपना क्रेडिट कार्ड और दस डॉलर की मासिक पत्रिका समाचार सदस्यता सेवा लॉन्च की? किसने लॉन्च की? एप्पल। एप्पल का फाउंडेशन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1976। हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, यूएस। एंड फाउंडर स्टीव जॉब, स्टीव वोजनिक एंड डोनाल्ड वेन। ये है अभी के टिम कुक। ये कौन है? सीईओ कौन है? एप्पल के सीईओ। ठीक है, और ये है स्टीव जॉब, सबको पता ही होगा स्टीव जॉब। इनके बहुत अच्छे अच्छे कोट्स हैं, जैसे स्टे हेनरी स्टे फूलिस। क्वेश्चन नंबर 11, तजाकिस्तान उज्बेकिस्तान में आयोजित एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवादरोधी संरचना RATS परिषद की 34वीं बैठक के दौरान संयुक्त आतंकवादरोधी अभ्यास सरिया अरका एंटी टेरर 2019 की घोषणा की गई, जिसमें कौन कौन से देश हिस्सा लेंगे? इसमें भारत, चीन और पाकिस्तान लेगा। भारत, बांग्लादेश, चीन लेगा। चीन, नेपाल, भूटान लेगा। भूटान, भारत, पाकिस्तान लेगा। तो ये भारत, चीन, पाकिस्तान लेगा। हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग, चाइना। और इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। फाउंडेशन कब हुआ था? 26 अप्रैल 1996। फॉर्मेशन हुआ था 15 जून 2001। और फाउंडर्स हैं चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान 9 जून 2017 को कजाकिस्तान के अस्ताना के एक शिखर सम्मेलन में पूर्ण सदस्य के रूप में SCO में शामिल हुए थे। ये रहा SCO का। ठीक है, यह है व्लादिमीर पुतिन, यह है सिंगिंग, और ये है मोदी। और चलते हैं पीएम मोदी, और चलते हैं 12th क्वेश्चन। हाल ही में स्वदेश निर्मित किस तोप को भारतीय सेना में शामिल किया गया?
अर्जुन वज्र होविट्जर धनुष। तो धनुष होविट्जर को भारतीय सेना में शामिल किया गया। भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? जनरल बिपिन रावत। आर्मी का फाउंडेशन हुआ था 1 अप्रैल 1895। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। आर्मी डे कब मनाया जाता है? आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन ऑफ द डे, आरबीआई गवर्नर कौन है? आरबीआई गवर्नर कौन है? हु इज द आरबीआई गवर्नर? शक्तिकांत दास, रघुराम राजन, उर्जित पटेल और सीडी देशमुख। आपको इसके बारे में पूरा डिटेल लिखना है और कमेंट करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और क्वेश्चन का आंसर जरूर से जरूर दें। अभी तक देखे हैं कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं देता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे अच्छी वीडियो बनाएंगे। जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।